नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र, वास्तु व अंग ज्योतिष सलाहकार, जयपुर से। दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे मकान के नंबर, मोबाइल नंबर, है ना, दूरियां जो हम नापते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है अंकों के माध्यम से। आज जो मैं आपके सामने वीडियो की जानकारी लेके आ रहा हूँ वो है वाहनों के अंकों से संबंधित। देखिए, आपने काफ़ी वीडियोज़ देखे होंगे जो ऑफिस के अंदर बैठ के बनाए जाते हैं, बोर्ड के ऊपर समझाया जाता है, या घर के अंदर बैठ के बनाए जाते हैं, पर ये चीज़ आज हम आपको लाइव दिखाने जा रहे हैं। इसमें मेरे मित्र हैं, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। उन्होंने कहा क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि हम बाहर जाके बनाएं, लाइव वीडियोस बनाए जाएं। तो यहाँ हमारी जो हेल्प की है वो राजेश जी करके हैं, ऑटो जंक्शन के प्री ओन जो व्हीकल्स होते हैं उसके मालिक हैं, तो उन्होंने हमारी हेल्प की, उनको सबसे पहले मैं धन्यवाद कहूँगा और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी जो आजकल का मॉडर्न एरा है या जो आधुनिक जनरेशन है वो वाहन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आश्रित भी हैं और वो लोग वाहन लेने के लिए भी बहुत ललायत रहते हैं। नए नए वाहन खरीदने का इनको शौक रहता है। दोस्तों, हम जब पैदा होते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी जो जन्म तिथि है या दिनांक है उसके साथ साथ हमें मूलांक भाग्यांक के रूप में भी कुछ अंक मिलते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो जब हम वाहन भी लेने जाते हैं वो हमारे साथ में कैसी शुभता अशुभता रखते हैं। देखिए दोस्तों, आखिर मैं अंकों की बात करूँ, आखिर अंक हमारे जीवन में नहीं है तो इसका मतलब है कि जो एक शरीर है लेकिन आत्मा नहीं है। क्योंकि आप जो भी चीज़ नापने जाएंगे, चाहे आप घर का नंबर देखें, चाहे आप मोबाइल नंबर देखें, या आप कोई दूरी नापते हैं, डिस्टेंस नापते हैं, तो उसके अंदर भी अंकों का प्रयोग होता है। आप कुछ भी पैरामीटर्स, आप जो प्लॉट होता है उसका साइज़ नापते हैं, तो वहाँ अंकों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज हम बात करेंगे कि कौन से अंक हमारे लिए फेवरेबल है और कौन से अंक हमारे लिए शत्रुता रखते हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, ये इसके ऊपर भी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि यदि आपको अपने लिए कोई वाहन परचेज करना हो, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए, तो वहाँ पे आपको आपके मूलांक के मित्र अंकों का वाहन लेना चाहिए, उनका प्रयोग करना चाहिए। या आप अपने बिजनेस या ऑफिस के लिए कोई भी आप वाहन परचेज करने जा रहे हैं या लेने जा रहे हैं, तो वहाँ आपके भाग्यांक के अंकों के अनुरूप आपको वाहन लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे कोई एक अंक वाला है तो एक अंक वाले वाहन आप देखेंगे जैसे प्रॉपर्टी, है ना, रियल स्टेट और PSU पब्लिक सर्विस जो अपने कमीशन्स होते हैं उनके लिए अंक एक के वाहन बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। ऐसे ही हम दो अंक के बारे में बात करते हैं तो जैसे ऑयल है, वाटर डिपार्टमेंट है या फार्मा सेक्टर है, उनके लिए अंक दो के नंबर के जो भी वाहन हैं वो शुभ माने गए हैं। ऐसे ही अंक तीन पे आप आइए और आप देखेंगे वो आप कोरिलेट भी कर पाएंगे, तो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं या बैंकिंग सेक्टर, उसके लिए अंक तीन के वाहनों का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना गया है। और आप तकरीबन देखेंगे जो भी हमारी स्कूल्स हैं उनकी आप बसेस को देखिएगा, कभी नोटिस करिएगा, उनके ज़्यादातर वाहनों का रंग पीला ही होता है। येल्लो क्यों होता है? क्योंकि येल्लो रंग अंक तीन का ही माना गया है। ऐसे ही हम IT सेक्टर की बात करेंगे तो अंक चार बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन आप ये भी देखें कि अंक चार और अंक आठ, ये दो अंक ऐसे हैं, इन वाहनों को देखिए या तो संभल के चलाना चाहिए या ऐसे व्यक्ति ही उनको प्रयोग ले सकते हैं जिनके लिए अंक चार और आठ अच्छा हो, सुयोग हो, अन्यथा वो आपके लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है। आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे टेली कम्युनिकेशन, उसके लिए अंक पाँच को अच्छा माना गया है। तो आखिर ऐसा, या सेल्स का जैसे डिपार्टमेंट है उसके लिए अच्छा माना गया है, तो आखिर किसी का अंक पाँच या ऐसे डिपार्टमेंट में काम करता है या ऐसा कोई बिजनेस है तो वहाँ अंक पाँच का प्रयोग लेना चाहिए। फिर हम आते हैं अंक छः के बारे में। अंक छः में आप देखिए कि जैसे ही आता है शुक्र, तो आप देखेंगे एक लग्जीरियस टच, एक लग्जीरियस फील उसके अंदर आने लग जाता है। आखिर कोई ऐसा अंक छः का वाहन है तो ऐसे वो जो वाहन के मालिक होते हैं ना, वो उनकी जो इंटीरियर्स होती है, इंटीरियर डेकोरेशन होता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं और वो एक लग्जरी आपको लुक देता है, टच देता है, क्लासी टच देता है। तो ये आप देखेंगे मोस्टली ऑटो सेक्टर्स, रेडीमेड गारमेंट्स या होटल इंडस्ट्री टाइप में, इनके अंदर बहुत ही अच्छा काम आता है ये। फिर हम आते हैं अंक सात के ऊपर, तो जो एनालिटिकल वर्क करते हैं, एनालिसिस जिन कामों में ज़्यादा होता है, या वापस मैं कहूँ तो वाटर एंड ऑयल, पानी और ऑयल का जहाँ काम होता है, उन सेक्टर्स के अंदर अंक सात का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। फिर हम आते हैं अंक आठ के ऊपर, तो अंक आठ आप देखेंगे हैवी व्हीकल्स जो होते हैं, जो ये दूरी जिनमें
दूरियां ज़्यादा होती है ना, जैसे ट्रक्स वगैरह हुए, तो वहाँ अंक आठ का बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। अंक नौ की हम बात करें तो आप देखें, जहाँ प्रतिष्ठा पद यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, या आप प्रॉपर्टी रियल स्टेट, या आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, लेकिन उस जो नौ अंक वाला वाहन होता है उसके साथ एक समस्या होती है, उसके जो इलेक्ट्रिसिटी से या इलेक्ट्रिक जो सिस्टम होता है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़, मतलब कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, ऐसी चीज़ें बहुत होती रहती है। तो दोस्तों जो आज एक हम वाहन जो मेरे सामने ये खड़ा हुआ है, आप देखेंगे इसके जो नंबर्स का कैसे प्रयोग किया जाए इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। ये जो आप डिस्ट्रिक्ट नंबर देख रहे हैं ना, इन्हें हमें चूज़ नहीं करना है, डिस्ट्रिक्ट नंबर्स को नहीं करना है आपको। ये जो चार की चार सीरीज़ है, 2, 3, 4, 5, इन सीरीज़ का ध्यान रखना है अपना वाहन लेते समय। आप देखेंगे ये वाहन अंक पाँच पे आ रहा है। अब ये हमने चार अंक तो डिसाइड कर लिए, अंक पाँच भी आ गया, तो अब इसमें ऐसे कौन से बीच में नंबर हों जो पाँच अंक के शत्रु अंक ना हों, उनको देखते हुए इनको लेना है। तो ये अंक मुझे अच्छा लगा कि इसके अंदर 2, 3, 4, 5, ये चारों के चारों अंक अंक पाँच के मित्र हैं, कोई भी इसमें शत्रु युति नहीं है। तो आप देखेंगे रंगों का भी इसमें महत्व है। अब पाँच अंक के साथ में आप जैसे सफ़ेद रंग है किसी को भी, है ना, आठ है, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कलर्स का बहुत बड़ा, बहुत ही सोच समझ के चयन करना चाहिए या चूज़ करना चाहिए। तो ये आज का वीडियो इसीलिए है कि आप जब भी वाहन परचेज करने जाए, आज आप इस सेगमेंट की गाड़ी भी लेने जाते हैं ना दोस्तों, आज 15 लाख रुपए से कम नहीं आती है। तो जब आप इतना लग्जीरियस, आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वहाँ अंकों के ऊपर बड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें, तो आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे और अंक आपके लिए कमाल का काम करेंगे। क्योंकि कहा जाता है ना कि जब से ये मैं गाड़ी लेके आया हूँ तब से मेरे तो भाग्य खुल गए, या जब से मैं ये गाड़ी लेके आया हूँ तब से मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये कैसा लोहा लेके आ गया, या शनिवार, ऐसा कई बार हमारे सामने भ्रांति आती है। देखिए वो लोहा तो होता ही है, उसके साथ साथ वो अंक भी होते हैं, क्योंकि अंकों के बगैर हमारा जीवन कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।